फाइनली 9:30 बजे रात को कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं बहुत सारे लोग उतर रहे हैं कन्याकुमारी जंक्शन में। चलिए चलते हैं मेन स्टेशन मतलब जंक्शन की ओर, जहाँ पर रूम रहता है। तभी हैं देखिए दोनों तरफ रो गाड़ी लगी हुई है। आपका भाई भी मस्त अंधेरा में दिख रहा है। इस ओर है मेन स्टेशन मास्टर का कैबिन, इधर है प्लेटफॉर्म, इतने लोग जाने के लिए रेडी हैं। रात का सीन कुछ इस तरीके का है कन्याकुमारी का, लेकिन लिखा हुआ है वो लाइट की वजह से पता नहीं चल रहा है। इधर एक बड़ा सा लाइट, इधर रोड। थोड़ा कन्याकुमारी का जो जंक्शन था वो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा ये था, क्या बोले उसको, खाली खाली था, तो थोड़ा दिक्कत लग रहा था हमको कि शायद कुछ दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं रूम ले लिया हूँ। देखिए ये है रूम, और बैक कैमरा से दिखाता हूँ क्या क्या है रूम में। तो मस्त बिंदास सोते हैं, सुबह उठते हैं और चलेंगे सीधे घूमने के लिए, पूरा कन्याकुमारी एक्सप्लोर करेंगे। तो मानिए हमारे साथ। इधर मस्त सा मिरर लगा हुआ है, LCD है, बैग रख दिया, चेयर है, पानी है, और ये रहा बेड, और ये रहा सेलफोन, पंखा, इधर और लाइट्स लगे हुए हैं, इधर भी AC लगा हुआ है। ये सारे कुछ है रूम में जो कि कन्याकुमारी में मिला है हमको, और ये रहा इसका चाबी। तो चलिए फटाफट से सो जाते हैं ज़्यादा लेट न करते हुए। अरे सर है इसका बाथरूम नहाने का, मस्त। ओके मस्त सा बाथरूम है, इधर में मिरर लगा हुआ है, और इस और भी है। चलिए सोते हैं मस्ती से कन्याकुमारी में आज रात, फिर सुबह उठ के चलेंगे सीधे। मस्त नींद भी आ रहा है, इतना बड़ा बेड है और अकेले, हाँ मस्ती के साथ। इस कन्याकुमारी जो जंक्शन है वहाँ पे देखे अगल बगल में तो मवाली टाइप के बहुत सारे लोग दिखे जो पूरा घूम रहे थे, और पूरा स्टेशन पूरा खाली था, पूरे खाली था। और वहाँ जो वेटिंग हॉल होता है सभी स्टेशन में, और जो रुकने के लिए अंदर सोने के लिए ऐसा यहाँ पे कोई सुविधा नहीं था, और एक छोटा सा था लेकिन उसमें उस तरह का सेफली नहीं था। तो उसी स्टेशन पर कहीं भी आप रुकिए जहाँ पर बहुत सारे लोग सोए हो ताकि कोई दिक्कत ना हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, तो आदमी नहीं था, इसलिए मैं रूम ले लिया हूँ। देखिए ये रूम है, रूम का तकिया है, तो बस सोता हूँ मस्त, और सुबह उठता हूँ और कन्याकुमारी का दर्शन करता हूँ। तो चलिए सुबह मिलते हैं आपसे, बाय बाय, गुड नाइट। होटल का कपड़ा कौन कौन यूज़ करता है इसको साइड में रख दिए हैं, इसका ज़रूरत नहीं है। कंबल का, मेरा कंबल ही सही ठीक है, क्योंकि आए दिन कौन कौन आदमी आते रहता है, तो अपना यूज रखेंगे ताकि सेफ रहेंगे। गाइस सुबह हो चुका है, अभी बज रहा है 5, और अभी हो चुके हैं रेडी, नहा धोवा के फ्रेश हो चुके हैं। चलिए चलते हैं जल्दी से, देखते हैं यहाँ की खूबसूरत नज़ारे। मस्त टोपी लगा लिए हैं, अब चलते हैं सीधे बाहर। तो ये है इसका लिफ्ट, तो लिफ्ट से चलते हैं नीचे। अभी सही से सुबह नहीं हुआ है, अभी जा रहे हैं सूर्य उदय देखने के लिए समुद्र के किनारे कन्याकुमारी में। बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं सीधे। आज DAY 13 में आप लोगों का स्वागत है। ये होटल में मैं रात रुका हूँ, देखिए इतनी बड़ी सी होटल है, यहाँ पे चारों ओर ये सब सिर्फ होटल ही होटल है, होटल और खाने का होटल और ठहरने का होटल दोनों है, काफ़ी सारे होटल। तो गाइस अभी जो है समुंदर के किनारे पहुँच गए हैं, देखिए सूर्य उदय देखने के लिए। अभी चलते हैं और कुछ दूर आगे तक, और वहाँ से देखते हैं आज कन्याकुमारी से कन्याकुमारी की खूबसूरत उगता हुआ सूरज के नज़ारे। और देखने को मिलेगा आपको स्वामी विवेकानंद सर की स्टैचू, काफ़ी शानदार है। देखिए समुंदर पानी से लहराता हुआ पूरा, काफ़ी सारे नाव भी लगे हुए हैं, क्रूज लगे हुए हैं। चलिए मज़े करते हैं यहाँ पे। देखिए समुंदर उधर, देखिए सूरज की आगमन होने वाला है, अभी बन रही है हमारे साथ, मज़ा आने वाला है वीडियो में आपको।
पे इतने सारे लोग आए हुए, इतने सारे लोग गाते देखे, इतने सारे लोग सुबह सुबह को यहाँ पहुँच गए हैं, देख सकते हैं। सब घूमने वाले लोग हैं, देखिए सब टूरिस्ट, यहाँ से लेके वहाँ से लेके वहाँ तक आपको सिर्फ टूरिस्ट ही देखने को मिलेंगे। देखिए क्या समुंदर की हलचल, सीधे कन्याकुमारी से इतने सारे बालू है कि यहाँ चलना मुश्किल हो रहा है, बहुत बालू। इसमें बहुत सारे लोग आए हुए हैं, एक बीच में मिट्टी है और पत्थर है साइड में, और इस ओर है समुद्र और इस ओर भी है समुद्र। और दिखाते हैं आपको यहाँ से कुछ इधर की अद्भुत नज़ारे शहर की, देखिए काफ़ी खतरनाक दिखती है। देखिए क्या सीन है, क्या सीन है, क्या सीन है गाइस। देखिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल काफ़ी अंदर पे है, वहाँ के लिए इन जहाज़ों की सहायता लेनी पड़ेगी, यानी कि क्रूसों की। देखिए वेब से आ रहा, देखिए लहर, ओ हो 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 हो, क्या शानदार लुक से गाइस। देखिए बड़े बड़े से पत्थर डाले हुए हैं यहाँ पे उधर जाने के लिए, और इसके दोनों ओर समुंदर है। यहाँ पत्थरों को देख सकते हैं, क्या पत्थर है। देखिए तो अभी जो हम जहाँ पहुँच चुके हैं वो है सबसे लास्ट एंड। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का है सीन, इधर है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, बन रही है आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से उगता हुआ सूरज। तो मस्त अब आके यहाँ पे बैठ गए हैं, कुछ देर एंजॉय करते हैं इन लहरों का, इन समुद्रों का, फिर चलेंगे सीधे आगे मंदिर दर्शन के लिए। अगर कोई सायरन टाइप का आवाज़ दे रहा है, देखिए झंडा फहराया जा रहा है, देख सकते हो झंडा धीरे धीरे ऊपर हो रहा है, इसलिए सायरन टाइप का आवाज़ दे रहा है। तो देखिए सूर्योदय होना शुरू हो गया है, शानदार लुक है, आसमान का भी देखिए, समुंदर का, इतने सारे लोग आए हुए हैं, इधर भी पूरे सूरज का उदय हो चुका है, अब चलते हैं सीधे मंदिर दर्शन के लिए। अब चलता हूँ सीधे मंदिर दर्शन के लिए, देखते हैं कौन कौन सी मंदिर है, दर्शन करेंगे फिर चलेंगे आगे तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी। बगल में एक खूबसूरत सा चर्च है, और इस साइड पे होटल्स मंदिर, तो काफ़ी अच्छा दिख रही है।
छोटा सा कन्याकुमारी का बीच, ईश्वर मेमोरियल, विवेकानंद मेमोरियल। अब चलते हैं नेक्स्ट मंदिर के लिए। मछली मार्केट में मछली समुद्री मछली है। ऑक्टोपस सामने में जो दिख रहा होगा वही है कन्याकुमारी का टेंपल। तो चलिए यहाँ भी दर्शन करते हैं कन्याकुमारी टेंपल का। देखिए मंदिर के सामने से ईश्वर का कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा। यह विवेकानंद रॉक मेमोरियल, और उस और अभी जो हम लोग गए थे वहाँ पे कुछ इस... एक लाइट हाउस है। देखिए उस और एक बनाया गया कन्याकुमारी में, वहाँ चढ़ के समुद्र का आनंद लेने के लिए, और कुछ इस तरफ का इधर बनाया गया है। तो यही था कुछ कन्याकुमारी की अद्भुत नज़ारे। तो अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया। अब चलते हैं होटल, होटल से चलेंगे त्रिवेंद्रम। बस यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं, तो मिलते हैं आपको होटल में। ईश्वर पर अभी जो आपको दिखाए हैं वो था गांधी मंडप। तो गांधी मंडप में हुआ ये था कि जब गांधी जी का मृत्यु हुआ था तो उनको जो अस्थियाँ थी बहाने के लिए यहाँ पर लाई गई थी, और जिस जगह पर रखा गया था उसी जगह को बनाया गया है गांधी मंडप। आज सुबह सुबह हम नाश्ता करते हैं पूरी का, फिर चलते हैं होटल। यहाँ से घूम फिर के आ चुके हैं वापस रूम पे। अब यहाँ से सीधे निकलते हैं तिरुवनंतपुरम के लिए, क्योंकि 8 बजे ट्रेन है, तो क्यों यहाँ झूठ मूठ का और वेट करना। चलते हैं सीधे वहीं पर, एक मंदिर है उनका दर्शन करेंगे, इसके बाद चल जाएंगे सीधे कोयम्बटूर। आज ही के आज पहुँच जाएँगे कोयम्बटूर, जल्दी से घर भी पहुँचना है। तो पर भी हमारे साथ चलते हैं आप सीधे जंक्शन पे, जिसे जिसे पड़ा हुआ है सबको समेटते हैं फिर चलेंगे। ठीक, मस्त रेडी हो चुका है आपका भाई, अब सीधे चलता है स्टेशन। यहाँ से निकल चुके हैं, यहाँ कार्ड है, ये चलते हैं स्टेशन फटाफट, ट्रेन आने वाली है, छूटने वाली। मस्त टिकट ले लिए हैं 50 रुपये का। देखिए अब चलते हैं सीधे त्रिवेंद्रम यानी कि तिरुवनंतपुरम, और वहाँ से चलेंगे कोयम्बटूर। तो बना रही है हमारे साथ भी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, यहीं से बैठते हैं और चलते हैं सीधे। ट्रेन जाने वाली है, चलते हैं बैठते हैं सीट पर। ट्रेन खाली है अभी, 10 मिनट में निकलने वाली है।